अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल है किचन इन ट्रेडिशनल स्टाइल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुजरात की फेमस ढोकला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इन माय स्टाइल। इसके लिए लिए हैं 1 कप बेसन। मेजरमेंट कप से लिए हैं। शक्कर पाउडर, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 कप दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, वनीनो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन में दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बेसन और दही को हम इतना अच्छे से फेंट लेंगे कि इसमें लम्स खत्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक ही बार पूरा पानी हमें नहीं ऐड करना है। बैटर का ठीकनेस हम चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पानी कम या ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून हरी मिर्च पेस्ट ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ऐड टू टेस्ट। फोर टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे। 15 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। ढोकला को स्टीम करने के लिए पहले से हम कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं। इसमें हम स्टैंड रखेंगे। ढोकले के बैटर को 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे फेंट लेंगे। बैटर में इनो ऐड करेंगे। हम इसमें 1 इनो ऐड किए हैं 1 कप बेसन में। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। मोल्ड लिए, उसमें ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड में आप ढोकला बैटर ऐड करेंगे। इनो डाल के हमें रखना नहीं है, इसे तुरंत फेंट के स्टीम पे रख देना है। मोल्ड को अब हम स्टैंड पे रख देंगे। अब इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ढोकला अच्छे से स्टीम हो जाए। 10 to 15 मिनट्स लगते हैं इसको स्टीम होने में। खोल के हम चेक कर लेंगे। ढोकला बहुत अच्छे से स्पंजी हो गया, उसमें हम टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम और इसे कवर कर देंगे। अभी टूथपिक में ये लग रहा है। ढोकला रेडी हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ढोकला जब तक ठंडा होता है तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ढोकले के तड़के के लिए हम ऑयल ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून राई ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, उसे हमने 20 से 1/2 कट कर लिए हैं, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी हम ऐड किए हैं। 1.5 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे। नमक ऐड टू टेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे ताकि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब 2 मिनट्स के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ढोकले का तड़का रेडी है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, जब भी ढोकले पे तड़का डालिए तो ढोकला ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ढोकला रेडी है इन माय स्टाइल। आपको कैसा लगा रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बना था, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।